अधिकारियों की लापरवाही के चलते सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट को स्वयं ही ट्रीटमेंट की आवश्यकता। अधिकारियों एवं कंपनी के आपसी खींचतान का खामियाजा भुगत रहे हैं बहादुरगढ़ निवासी। सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट को पूरी तरह प्रयोग नहीं कर रहे प्रशासनिक अधिकारी व कंपनी। बहादुरगढ़ से पत्रकार प्रवीण चोपड़ा की रिपोर्ट। शहर के नजफगढ़ रोड झाड़ोदा बॉर्डर पर बने सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट की हालत देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा है कि स्वयं इस प्लांट को इन दिनों ट्रीटमेंट की आवश्यकता है। इस ट्रीटमेंट प्लांट के चारों तरफ गंदा सीवर का पानी भरा हुआ है, जिसमें भयंकर दुर्गंध उठी हुई है, जिस कारण आसपास के किसानों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। निवर्तमान पार्षद रमन यादव, निवर्तमान पार्षद गुरदेव सिंह राठी, इनेलो वार्ड 15 जोन अध्यक्ष भारत नागपाल, इनेलो वार्ड नंबर 13 के अध्यक्ष मोहित राठी, पैक्स के डायरेक्टर कपूर सिंह राठी ने कहा कि जन स्वास्थ्य एवं अभियांत्रिकी विभाग की ओर से शहर के नजफगढ़ रोड पर सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट लगवाया गया था, ताकि दूषित पानी को साफ करके अन्य कार्यों में प्रयोग किया जा सके। इस प्लांट के चारों तरफ इतनी गंदगी फैली हुई है, इस गंदे पानी से उठती दुर्गंध के कारण आसपास का वातावरण भी दूषित हो रहा है। इन दिनों पूरे शहर की सीवरेज व्यवस्था बदहाल है, क्योंकि सभी कॉलोनियों के लोग सीवरेज जाम की समस्या परेशान है। सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट में गंदे पानी की आवक कम है, जिसके चलते पूरा शहर सीवरेज जाम की समस्या का दंश झेल रहा है। यह सब जन स्वास्थ्य एवं अभियांत्रिकी विभाग के अधिकारियों की लापरवाही के कारण ही हो रहा है। यह सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट चालू हालात में है, लेकिन इसे पूरा कार्य प्रशासनिक अधिकारी या तो जानबूझकर नहीं ले रहे, या फिर ट्रीटमेंट प्लांट चलाने वाली कंपनी व अधिकारियों के बीच सामंजस्य की कमी है। सूत्रों की माने तो ट्रीटमेंट प्लांट का ठेका लिए हुए कंपनी की पेमेंट न होने के चलते यह समस्या बनी हुई है। अधिकारी जानबूझकर इस ट्रीटमेंट प्लांट को कंडम करने पर तुले हैं, ताकि दूसरी कंपनी को इसका ठेका देकर मोटा कमीशन कमाया जा सके। इस कमीशन के खेल का खामियाजा शहर की जनता को भुगतना पड़ रहा है।